हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका आईटीआई, या फिर अगर आपके पास 12th पास कर रखा है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर आ रखी है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार का एग्जामिनेशन होगा, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो है सॉल्व हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि आप अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके चैनल प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बीआरसी के एक्सपीरियंस से लेके हर एक चीज़, जितनी भी टेक्निकल एग्जाम है, नॉन टेक्निकल एग्जाम है, सारी चीज़ें डिस्कस किया है। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सैलरी पे से, क्योंकि इसका सैलरी पे जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो सैलरी पे रखी गई है वो आपका लेवल 4 यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपये जो है यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। अगर बात किया जाए यहाँ पे आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी, तो लगभग 32,000 जो है सैलरी आपको पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए है, जहाँ पे ITI या फिर 12th पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात की जाए यहाँ पे, तो 1072 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, जिसमें हेड क्वार्टर की बात किया जाए, हेड कांस्टेबल RO के लिए बात की जाए तो 300 वैकेंसीज है, और RM के लिए बात किया जाए हेड कांस्टेबल तो 772 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। देन बात करते हैं इसमें कि इसमें जो मेल्स कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट है, दोनों जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। मेल फीमेल जो है दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट से देखिए रिगार्डिंग डेट दे रखा है, जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट में जो है 3 लेवल का रिटर्न टेस्ट हो रहा है। पहला लेवल जो है आपका रिटर्न टेस्ट है जो OMR बेसिस पे होगा, और ये जो है आपका 28 जुलाई 2019 को इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो डेट है ये टेंटिव है, ये डेट में भी एक्सटेंड हो सकती है। देन जो सेकेंड फेज़ है उसमें आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा। इसके बाद बात किया जाए फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट का भी डेट दे रखा है 9 अक्टूबर 2019 को जो है यहाँ पे टेंटिव डेट रखी गई है। देन डिस्क्रिप्टिव जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आपका 24 नवंबर 2019 का जो है यहाँ पे डेट रखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो जो फाइनल फेज है इसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो आपका 30 जनवरी 2020 तक यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। तो काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आ रखी है, आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। और काफ़ी अच्छा सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 12th बेसिस जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। और ध्यान रखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। तो ये देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पे रखा गया है, बात की जाए हेड कांस्टेबल RO पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे जो रेडियो ऑपरेटर है उसमें मिनिमम ITI मांग रखा। अगर आपके पास ITI नहीं है, अगर आप 12th पास हैं विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, अगर आपके 60% आ रखे हैं तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आपके पास ITI होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th क्लास PCM से होना चाहिए, तो जाके आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसी तरह RM में भी सेम बताया गया है कि अगर आपके पास 12th है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, 60% जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों के लिए अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी क्वालिफिकेशन आपके पास है मिनिमम, तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एज लिमिट देख लेते हैं, एज लिमिट बहुत ज़रूरी है। तो एज लिमिट जो यहाँ पे रखी गई है 18 साल मिनिमम एज लिमिट रखी गई है जनरल्स के लिए, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 25 साल है, जिसमें आपका 12/6/2019 तक ये इसका क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखा गया है। एज ऑन जो है 25 साल होना चाहिए, 28 साल जो OBC के लिए और SC ST के लिए भी यहाँ पे जो है 30 साल रखा गया है। देन यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है, जिसमें हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है फॉर द मेल्स कैंडिडेट, और फीमेल्स के लिए जो है 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अब हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, जिसमें टेस्ट में आपका किस प्रकार का पैटर्न होगा। तो जो रिटर्न टेस्ट होगा वो पहला जो है आपका OMR बेसिस होगा। तो OMR बेसिस में जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें 4 पार्ट आएंगे, जिसमें फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, जो 12th बेस के रहेंगे CBSE वो बेस पैटर्न, देन केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस, और इंग्लिश और GK के जो है 20 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के। इसका जो लेवल रहेगा आपका 12th क्लास का रहेगा, और करंट अफेयर में जो है करंट GK में जो है आपका मतलब जनरल नॉलेज में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। इसमें पास होने के बाद जो है आपको सेकेंड स्टेज के लिए बोला जाएगा। सेकेंड स्टेज में जो है आपका देखिए क्या क्या होगा यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड स्टेज जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें जो है आपका फॉर द मेल्स कैंडिडेट जो है उसमें फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर जो है 6.5 मिनट में दौड़ना है। फॉर द फीमेल्स कैंडिडेट जो है 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है। देन लॉन्ग जंप, हाई जंप जो
है यहाँ पे कराया जाएगा। देन इसमें जो है फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। ये पास होने के बाद जो है आपको फाइनल थर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, थर्ड फेज के लिए, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपका हेडक्वार्टर जो BSF का होता है वहाँ पर होगा, और इसमें जो है आपके 150 मार्क्स के होंगे, और जिसमें आपके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे यहाँ पे पूछा जाएगा, और जिसका ड्यूरेशन जो है टाइम ड्यूरेशन वो 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी रखा गया है, जिसमें आपका इंग्लिश राइटिंग जो है 100 वर्ड्स का जो है 50 मार्क्स होगा, और पैराग्राफ राइटिंग जो है आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये जो है इस प्रकार का यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्थ पेज है उसमें क्या होगा। फोर्थ पेज में जो है जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो है मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट जो है आपको यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बेसिस पे जो यहाँ पे फाइनलिस्ट बनी जाएगी। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का लिया जा रहा है, बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है वो जोन वाइज यहाँ पे डिवाइड है, जैसे बंगाल, गुवाहाटी, हर चीज़, जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया सेंटर यहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे जो है आपका ऑल ओवर इंडिया जो है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो ये जो फॉर्म है आपका एक्टिवेट हो रहा है 14 मई 2019 को जो है ये फॉर्म एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 12 जून 2019 रखी गई है। तो 12 जून से पहले जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रखी है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है 12th बेसिस पे, जहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते वो जो है एज लिमिट के अंतर्गत आएँ। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमारा जो मोटिवेशन है वो बूस्टअप होता है, और हम जो है आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेके आते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।